मिलना नहीं प्लीज। सीएम साहब भी गिर सकते आप मिल जाओगे वही में बड़े धक्के लगेगा। इधर को मुड़ो फेस इधर करो सुनो पर हमको आईडी फेस इधर करो यार। हाँ बस ये आईडी लगा रुको मैं आती हूँ आगे हो गया ना बस आईडी लगा रुको आ जाओ अपनी हम आप लोगों को पीछे हो फेस बोल दूँगा मुड़ जाओ टर्न हो छोड़ो मैं बोल तो रहा था लोग सर 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 मैं दोनों जगह दे दूंगा। आप ऐसे रखो दोनों जगह मैं दे देता हूँ। आदम को दे दूंगा फिर आदम को दे दूंगा वो अच्छा रहेगा। पहले आपको देता हूँ चलो इधर पहले आपको मैं देता हूँ। आते 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 आप बोलो इनको बोलो पहले आदम को दे दो आराम से यार को समझाओगी पहले यहाँ दूंगा फिर वही सेम बात वहां कर देता हूँ। कोई इधर धक्का देने की जरूरत नहीं। आधे आधे बढ़ जाओ प्रेस वाले में दोनों जगह मेरे पास ना आधे आधे बढ़ जाओ अच्छा रहेगा। पूछो पूछो मुख्यमंत्री कोई ऐसी जगह पहले एक सवाल पूछना आप आराम से पूछना आराम से बोलेंगे आप ही के लिए है। जी सर पूर्व के बतूते ट्वीट किया है कि जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने विकासात्मक कार्य किए थे लेकिन कांग्रेस की सरकार जब बनी है तो उन्होंने उनके जो फैसले उनको पलटने का काम किया है बदले की भावना से जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार है वो काम कर रही है। मैं पूरा मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ और मैं ये समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे जो इंस्टीट्यूशन वो खोलेंगे उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया मतलब स्टडी किया जिसमें हर्षवर्धन चौहान जगत नेगी संजय रतन भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है ना कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं हो जा करनी है ये अधिकारी कह रहे हैं। वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है घोषणाएं करते जाओ हमें चुनाव जीतना है पैसे से हमने क्या करना। चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। फिर हमने चर्चा की रात के 8 बजे रात के 4 बजे 5 बजे तक चर्चा की शाम को हमने और ये पाया कि जो भी संस्थान इन्होंने खोले हैं ना बजट है। शिक्षा संस्थान खोले ना उनमें टीचर है ना बच्चे हैं सिर्फ मात्र घोषणाएं थी। इसलिए उनको हमने ये कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको अभी रद्द किया जाता और जहां नीड बेस पर होगा जहां सही में उन्होंने सही खोला होगा उसको द्वार खोलने पर विचार किया जा सकता। एक बात जो सरकार पिछली सरकार को कोसते हुए ये आई कि रिटायर्ड और टायर्ड कांग्रेस की 2012 में 2017 में जो सरकार ये कहती थी जयराम की सरकार क्यों सत्ता में आई थी कि रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारी लगा दिए गए हैं। इस सरकार ने उनको भी एक्सटेंशन दे दी है। इस दृष्टिकोण से
हमने जो जनता के हित में है वो फैसला किया है। भर्तियों में घोटाला हुआ है तो क्या हम घोटालों को देखते रहे? इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया है। इसलिए उनको ट्वीट करने का अधिकार तो तब था कि उन्होंने उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया होता संस्थान में, बजट में, और जो शिक्षा संस्थान खोलने तो वहाँ टीचर उपलब्ध करवाए होते। और पूछिए आप, ये अटल टनल का नाम बदलने से भाजपा चिंतित है, कह रही है कि आप नाम बदलने का काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी आई है, केंद्र सरकार ने संसद में जो है जवाब दिया है कि जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कि जो संचित निधि है, चाहे उसमें एम्प्लॉय का अंशदान है चाहे सरकार का अंशदान है, वो पैसा वापस नहीं दे सकती, और ऐसे में ओपीएस कैसे लागू होगी? वो एम्प्लॉय के खाते में जाता स्टेट के। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने संसद के बयान को अभी गौर नहीं किया है। हमारा अगर इन्होंने पैसा वहाँ रखा है, कोई पैसा अगर हो रखा है, पर हिमाचल में हमने दावा वादा किया है कि जब हमारी पूरी कैबिनेट बन जाएगी ओपीएस हिमाचल में लागू किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से आप निश्चित रहिए, जितने हथकंडे अपनाने अपना लीजिए। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा लिखी है, आज हम जहां भी पहुंचे हैं, ये सरकारी कर्मचारी अधिकारी, चाहे पत्रकार बंधु हैं, चाहे शिक्षा संस्थान खोलने थे, सड़कें बननी थी, हॉस्पिटल बनने थे, ये सब इन सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो पार्टी किसी भी सरकार का नेतृत्व रहा उनकी देन है। उनको हमने ओपीएस का गारंटी योजना बोली है, वो उनको मिलेगा। जल्दी ही हमारा कैबिनेट का जब गठन होगा, ये ओपीएस उस कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा। और 12 जोड़ों यात्रा में जाने का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है थोड़ा तफसील से बताएं सर, क्या कार्यक्रम है और कैसे होगा? 16 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का 16वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, 40 विधायक सब सम्मिलित 16 तारीख को होंगे, और इस दृष्टिकोण से हम सब लोग वहां जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर, कैबिनेट विस्तार को लेकर अटल टनल के नाम बदलने को लेकर अब भाजपा चिंता जाहिर कर रही है, कल आपने कुछ आदेश दिए हैं, क्या आदेश है थोड़ा जानकारी? नहीं, भाजपा तो झूठ की भी चिंता करती है, हमने तो नाम बदला ही नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय के केंद्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने, उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी की, और जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे एके एंथोनी जी की, जो शिलान्यास की पटिका थी उसको अगर आप उखाड़ कर कहीं फेंक देंगे, हमने कहा उसे तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाए। ये मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब शिलान्यास के लिए 4,500 करोड़ अटल टनल के लिए रखा गया था, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उद्घाटन के समय तो पहुंच गए और शिलान्यास की पट्टिका तोड़ कर किनारे रख दी, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को हमने कहा कि जहां जिनका शिलान्यास हुआ है वहां उनकी पट्टिका लगा दी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो शिलान्यास कहीं हुए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, हम ऐसी परंपराओं में नहीं पहुंचते जहां यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की डर के मारे पट्टिका लग रख दी है। हम आपकी जो शिलान्यास की पट्टिका है जहां लगी होगी वहां बजट का प्रावधान क्या होगा वो भी हम नहीं बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।